हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं हूं दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि जिनको भी दबीनस बैक पेन स्लिप डिस्क या हिप्स पेन यानी कि साइटिका की, की प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम्स हैं उनको ये फार्मूला जो इस वीडियो में बताया जा रहा है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि जिनको भी दबी नस हो या फिर बैक पेन हो रहा हो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो इन सब के कारण ऐसे होता है कि एक लेग की एक नस ब्लॉक हो जाती है और उस लेग में बहुत दर्द होता है और चेयर पर बैठ जाते हैं तो खड़े होने में बहुत दिक्कत आती है चलने में दिक्कत आती है ऐसे लगता है कि वो जो लेग है वो जाम हो चुकी है तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो इस वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिए और फॉलो भी ज़रूर करिएगा इसमें मैं आपको ऑयल विद uh, उसमें ऑयल कौन सा लेना है आपको इसमें एक्सरसाइज कौन सी करनी एक पॉइंट कौन से हैं क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें एलोपैथिक में इसका परफेक्ट कोई मेडिसिन uh, के थ्रू कोई इलाज किया जा सकता है या ऑपरेशन के थ्रू कोई इलाज किया जा सकता है तो ऐसा बिल्कुल गलत है क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू किसी चीज़ का इलाज नहीं सिर्फ उसे हिलाया जा सकता है तो ये जो ये कह सकते हैं एल वन एल फाइव में जो गैप आ जाता है उसको ठीक करने के लिए परफेक्ट तरीका एक्यूप्रेशर पॉइंट और एक्सरसाइज ही है आप इसे ज़रूर फॉलो करिएगा और इसके बेनिफिट लीजिएगा अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में यानी कि दबिन बैक पेन स्लिप डिस्क साइटिका या हिप्स पेन की प्रॉब्लम में क्या किया जाए सबसे फर्स्ट आपको ऑयल मसाज बता दिया जाए तो ढाई सौ ग्राम आपने मस्टर्ड ऑयल लेना है यानी सरसों का तेल लेना है उसमें आपने पचास से सत्तर ग्राम तक छिली हुई उसको पील कर लीजिएगा लहसुन डालनी है और इसे सिम फ्लेम पर तैयार करना है इसी ऑयल की मसाज करनी है ये नर्व सिस्टम को स्ट्रोंग करता है और नसों में ताकत देता है इसके अलावा ताकत के लिए यानी नसों को स्ट्रेंथ देने के लिए ताकत देने के लिए आपको शिलाजीत जरूर खाना है शिलाजीत खाने से बॉडी में स्ट्रेंथ आती है आप अपने एक्सरसाइज की बात करते हैं एक्सरसाइज में आपको सबसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ आपको तीन चीजें दिखाई जा चार चीजें दिखाई जा रही हैं आपको फर्स्ट जमीन पर एट जाना है और अपने हाथों को फैला लेना है और पैरों को सीधा कर लेना है उसके बाद आप अपने लेफ्ट लेग को उठाइए और राइट हैंड के पास ले जाइए और अपने फेस को लेफ्ट साइड पर ऐसे ही आपने जब राइट लेग को उठा रहे हो तो राइट लेग को लेफ्ट हैंड के पास लेके जा रहे हो उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो उस टाइम आपका फेस जो होगा वो राइट साइड पे होगा इसी एक्सरसाइज को आप कीजिए बहुत रिलीफ मिलता है साइटिका बैक पेन या फिर ये कह सकते हैं हिप्स पेन चीजों में इसके अलावा नीचे आपको दिखाया जा जरूर जरूर और अपने लेग को वन वन बाय उठाना है अब नेक्स्ट आता है आपने अपने घुटनों को इकट्ठा कर लेना है और उसी डायरेक्शन में लेग उठानी नहीं है लेकिन अपने घुटनों को मोड़ना है ये प्रोसेसिंग भी आपने करनी है अपने फेस को लेफ्ट साइड पे कर रहे हो तो आपकी जो घुटने होंगे वो राइट साइड पर चले जाएंगे राइट साइड पर कर दो तो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे उसके बाद अपने पैरों में थोड़ा गैप करके इसी एक्सरसाइज को रिपीट कीजिए ये बहुत परफेक्ट है दिन में चार बार पांच बार खाली पेट जब भी फील करें इसे ज़रूर करें हंड्रेड परसेंट आपको रिलीफ मिलेगा अब अपने बात करते हैं एकोप्रेशर पॉइंट की तो एकोप्रेशर पॉइंट में आपने आपको रिंग फिंगर पर एक एरो और बैक पेन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा और रेड कलर के कर्व्स होंगे ये कर्व्स पर आपने प्रेस करना है राउंड शेप में रिंग फिंगर यानी रिंग फिंगर का जो बीच वाला पार्ट होता है मिड पार्ट होता है इसको प्रेस करना है दोनों हाथों पे इसके अलावा सेकंड जो एक्शर पॉइंट है वो आपका एक्प्रेशर पॉइंट है आपके इंडेक्स फिंगर को आपने स्ट्रेटली जहाँ एरो दिखाई जा रही है और लंबी लाइन लगी हुई है उसको आपने प्रेस करना है इसके अलावा आपने बैक पेन जो है और फोर्थ में आपको बैक पेन दिखाया जा रहा है थम के जस्ट नीचे एरो बनाकर एक लाइन लगी हुई है यहाँ प्रेस करना है और फोर्थ आपको दिखाया जा रहा है जो हमारे टो होते हैं पैरों के उसके साथ वाली जो फिंगर है वहां ब्लैक डॉट दिखाई हैं ब्लैक डॉट पर आपने प्रेस करना है ये चार एक्ो पॉइंट बहुत बहुत परफेक्ट है जिनको एक्यूप्रेशर पॉइंट दर्द हो रहा है वो अभी ये पॉइंट्स को प्रेस करें और इसके रिलीफ ले लें आपको इस वीडियो में एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए जा रहे हैं योगा बताए जा रहा है मसाज और स्ट्रेंथ के लिए ये सारे सारे कॉम्बो को आपने ज़रूर अप्लाई करना है ऐसा करने से जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ नहीं करवाएं और इस ट्रीटमेंट को ज़रूर फॉलो करें उसके बाद आपने जो डिसीज़न लेना है वो लीजिए क्योंकि तब आप बिल्कुल ठीक हो चुके होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक like ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हेल्दी ऑलवेज भी हैप्पी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो